So, hello everyone, this is Ritham Shrostha, MBBS, third professor from GSVM Medical College, Kanpur. So guys, UP NEET round 2 का result आ चुका है, जिसका मैंने आपको closing rank का एक video बना दिया था, ठीक है? अब ये video में हम लोग discuss करने जा रहे हैं, पूरे UP के जितने भी 31 government colleges हैं, उनकी क्या closing rank रही है, particular categories में, like UR open में, OBC open में, EWS open में, SC open में और ST open में. तो ये हम लोग पूरा देखेंगे, पूरे 31 कॉलेजेस का भाई मैं ये कर रहा हूँ. और एक चीज सुन लो, पहले वीडियो स्टार्ट हो उसके पहले मैं आपको एक काम दे रहा हूँ. सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो शेयर कर देना है. और साथ ही साथ देखो, ये चैनल आप रिकमेंड करो आपके अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स को. देखो पूरे यूट्यूब पे तुम खोज मारो, पूरे यूट्यूब पे खोज मारो, कोई भी यूपी नीट का आपको कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ देता हो, कोई नहीं देता है, ठीक है ना. मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो बताया, फिर स्टेट रैंक के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया. तो भाई काफी ज्यादा मेहनत लगती है यार ये सब करने, मतलब मेरी कोई पीछे टीम नहीं है, आई एम सिंगल वन मैन आर्मी, ठीक है, समझ रहे हो. तो काफी मेहनत लगती है, काफी ज्यादा दिमाग लगाता है, काफी ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है ये सब बनाने के लिए. तो एटलीस्ट मेरे इस एफर्ट को यार तुम लोग अप्रिशिएट कर सकते हो. मैं तुमसे कुछ मॉनेटरी नहीं मांग रहा, मैं तुमसे सिंपल सा कह रहा हूँ, बस चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, रिकमेंड करो अपकमिंग तुम्हारे जो भी नीट एस्पिरेंट्स और अपने जूनियर्स को रिकमेंड करो, ठीक है. सो देखो यार, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले कि सारी पर्टिकुलर कैटेगरीज में क्या क्लोजिंग रैंक रही, ताकि जो ये वाला वीडियो पहली बार देख रहा हो, जो पिछला वीडियो ना देखा हो, तो उसको एक आइडिया लग जाए. तो देखो यार, यू आर ओपन के लिए 18,305 ऑल इंडिया रैंक, 18305. यू आर जी एल के लिए 17709. ठीक, अब तुम लोग बोलोगे मतलब गर्ल्स कोई है तो उसको क्या नाम है 18,000 तक रैंक तक नहीं मिला होगा, तो नहीं मिला होगा. ओपन इज ओपन टू एवरीवन, ओके. तो यू आर ओपन का 18,305, यू आर जीएल का 17,709, यू आर एक्स सर्विसमैन का 19176, यू आर एनसीसी कैंडिडेट का 1,60,104, यू आर फ्रीडम फाइटर का 5,64,734 एंड यू आर पीएच का 9,51,563. अगर बात किया जाए EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS एक्स सर्विसमैन का 18,090, EWS ओपन का 19,539, EWS गर्ल का 19,604, EW एनसीसी कैंडिडेट का 2,71,344, EW फ्रीडम फाइटर का 5,04,921, EWS PH का 8,68,444, ठीक है. उसके बाद बात किया जाए अगर OBC कैटेगरी की, तो BC गर्ल का 18,663, BC ओपन का 18,888, BC एक्स सर्विसमैन का 20,145. ये सारी मैं ऑल इंडिया रैंक्स बता रहा हूँ, ठीक है. BC NCC कैंडिडेट का 1,58,988, BC फ्रीडम फाइटर का 5,33,675, BC PH का 9,71,862. उसके बाद बात किया जाए SC ओपन की, तो SC ओपन का 1,34,535, SC GL का 1,34,840, SC NCC कैंडिडेट का 5,11,847, SC एक्स सर्विसमैन का 6,95,941, SC फ्रीडम फाइटर का 9,37,029, SC PH कैंडिडेट का 10,30,500. उसके बाद ST कैटेगरी की बात किया जाए तो ST गर्ल का 4,71,281 और ST ओपन का 5,40,964. तो ये आपकी ओवरऑल क्लोजिंग रैंक होगी, ठीक है. अब देखो भाई असली काम, देखो असली मेहनत भाई यहीं पे होती है, देखो असली मेहनत यहाँ पे होती है जब कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाया जाए, ठीक है. भाई देखो ये पूरी लिस्ट बना के रखा हूँ भाई, ठीक है. अभी तुम लोगों को दिख नहीं रहे होगी, ये लिस्ट मैं पूरी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अभी वीडियो रिलीज होने के मात्र 15-20 मिनट के अंदर मैं डाल दूंगा. तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ये लिस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो. मैं आपको शुरू के 10 कॉलेजेस का बता देता हूँ कट ऑफ, बाकी आप लिस्ट में देख सकते हो, पूरा उसमें मेंशन है और मैंने आपको एक समरी बता दिया है. पूरा लिस्ट मैंने खुद से बैठ के बनाया हूँ, कम से कम 3-4 घंटे का एफर्ट है, मतलब जब से रिजल्ट आए तब से लगा हुआ इसमें, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं केजीएमसी. तो केजीएमसी का यू आर ओपन का कट ऑफ गया है 2,786. लगातार लाख में रैंक बोल रहा था, 2 लाख ही निकल जाए, ठीक है. तो 2,786, बीसी ओपन का 3,872, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे सीट नहीं है, एससी ओपन का 46,011,
एसटी ओपन का 1,09,840 है। अगर आरएमएल लखनऊ की बात करें तो यूआर ओपन का 3,976, बीसी ओपन का 4,900, ईडब्ल्यूएस ओपन का 4,889, एससी ओपन का 56,280, ठीक है, एसटी ओपन का 1,95,686। अगर जीएसवीएम की बात किया है तो जनरल कैटेगरी का यूआर ओपन का 5,371, बीसी ओपन का 6,341, ईडब्ल्यूएस ओपन का 6,725, एससी ओपन का 68,819, एसटी ओपन का 1,79,189। अगर एमएलएन प्रयागराज की बात किया जाए तो यूआर ओपन का 6,501, बीसी ओपन का 7,363, ईडब्ल्यूएस ओपन का 7,561, एससी ओपन का 74,729 एंड एसटी ओपन का 2,04,195। अगर एलएलआरएम मेरठ की बात करें तो यूआर ओपन का 7,321, बीसी ओपन का 8,048, ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ पे नहीं है, एससी ओपन का 72,306, एसटी ओपन का 2,33,115। अगर जिम्स ग्रेटर नोएडा की बात किया जाए तो यूआर ओपन का 7,345, बीसी ओपन का 9,023, ईडब्ल्यूएस ओपन का 9,260, एससी ओपन का 75,547, एसटी ओपन का 2,33,395। अगर एसएनएमसी आगरा की बात किया जाए तो यूआर ओपन का 8,176, बीसी ओपन का 9,521, ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ पे नहीं है, एससी ओपन का 77,646 और एसटी ओपन का 2,50,121। अगर बीआरडी गोरखपुर की बात किया है तो यूआर ओपन का 8,382, बीसी ओपन का 9,705, ईडब्ल्यूएस ओपन का 8,980, एससी ओपन का 82,468 और एसटी ओपन का 2,18,285। अगर एमएलबी झांसी की बात किया है तो यूआर ओपन का 9,170, बीसी ओपन का 10,175, ईडब्ल्यूएस ओपन का 10,044, एससी ओपन का 84,964 एंड एसटी ओपन का 2,62,341। एंड 10th रैंक की अगर बात किया जाए, 10th रैंक वाले जो स्टेट का है वो है सैफई, तो यूआर ओपन का 10,089, बीसी ओपन का 10,948, EWS ओपन का 11,081, SC ओपन का 90,660 और ST ओपन का 2,69,928। तो ये आपको मैंने 10 कॉलेज का बता दिया, ठीक है। देखो मैंने लिस्ट में नीचे देखो मैंने मार्क भी कर दिया, शायद दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, ठीक है ये पूरी लिस्ट है, ठीक है नहीं दिख रहा यार, ठीक है। तो ये लिस्ट में मैंने मार्क कर दिया है, ऑरेंज कलर से मैंने मार्क कर रखा है, दैट मीन्स कि आपके उस पर्टिकुलर कैटेगरीज में लास्ट अलॉटमेंट हुआ है इस पर्टिकुलर रैंक पे, ठीक है। ये ऑल इंडिया रैंक मैंने आपको बताई। अब हम लोग राउंड टू से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत लोग बहुत परेशान हो, ग्रेजुएशन होगा कि नहीं होगा, लास्ट ईयर जैसा तो नहीं हो जाएगा कि राउंड वन से ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा। तो पहली बात देखो, ये जो कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया है जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया, तो उसे थोड़ा सा ही गया, ऊपर के कॉलेजेस सब कुछ सही है, इवन एससी का तो एकदम एग्जैक्ट एकदम कट ऑफ सही गया, मतलब बहुत ऊपर के कॉलेजेस का एकदम सही गया, कुछ थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, बाकी वो सब बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि देखो ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में बहुत बच्चे जो ऑल इंडिया कोटा राउंड टू से सीट उठाएंगे और वो स्टेट की राउंड वन की सीट छोड़ेंगे, तो परेशान मत हो, स्टेट राउंड टू में सीट आएगी इस बार सही से। कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा, वो जब सीट टू का मैट्रिक्स आने वाला होगा, राउंड वन का जब क्लियरेंस हो जाएगा कितनी सीट बची है क्या बची है, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि क्या जा रहा है क्या कट ऑफ जा रहा है। बाकी एक वीडियो आएगा आपको डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, क्या क्या ले जाना, ठीक है। एक मैंने लिस्ट डाल दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स, उसमें मैंने सारे डाले, इवन डॉक्यूमेंट जो आपके एफिडेविट्स है उसके मैंने फॉर्मेट्स भी अपलोड कर दिए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वो भी आके देख सकते हो। बाकी हाँ, मोड ऑफ पेमेंट, आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे कि जैसे आपने सिक्योरिटी मनी जमा की है, और मान लो फॉर एग्जांपल जीएसवीएम की फीस है 36,000, ठीक है, और यहाँ पे कैश है, मोड ऑफ पेमेंट कैश है, ठीक है यहाँ का, तो मान लो 30,000 आपने जमा किया, तो ऐसा नहीं कि आपको ऊपर से 6,000 देना है, ये फीस का 30,000 से उस 30,000 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी कॉलेज में, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वही जो भी चेकअप्स होते हैं वो सारे चेकअप्स होंगे आपके, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करोगे सारा वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा। राउंड टू में अपग्रेडेशन आपको कैसे लेना रहेगा, तो आपको कुछ कॉलेज में ऐसा सच नहीं बताना है। फॉर एग्जांपल मेरे को एमएलएन प्रयागराज मिल गया, ठीक है, एमएलएन प्रयागराज मेरे को मिल गया, मेरे को अपग्रेड कराना है, मेरे को जीएसवीएम जाना है,
तो मैंने एम्बलेन प्रयागराज में एडमिशन लिया, मैंने फीस जमा की, सारी प्रोसीजर जो है एडमिशन मैंने सब कुछ किया, ठीक है, एफिडेविट सब कुछ जमा किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सेकंड राउंड में जब चॉइस फिलिंग करूंगा तो एमएलएन की सीट तो है ही मेरे पास, ठीक है, मैं क्या करूंगा जीएसवी केजीएमसी आरएमएल जीएसवीएम भर दूंगा, ठीक है। अगर इन तीन कॉलेजेस में से मेरे को कोई अलॉट हो जाता है तो दैट मींस मेरा वो एमएलएन वाली सीट छूट के मेरे को नई वाली सीट अलॉट हो जाएगी, जहां पे मान लो सपोज जीएसवीएम अलॉट हो गया तो जीएसवीएम मिल जाएगी मेरे को सीट, और वो एमएलएन वाली मेरी जो सीट थी वो वेकेट होकर किसी को ही उसी राउंड टू में किसी और को अलॉट हो जाएगी जो मेरे से नीचे होगा, ठीक है। मगर सपोज अगर मेरे को उन तीन कॉलेजेस में से नहीं मिलता है जो मैंने प्रायोरिटी में डाला है राउंड टू में, तो जो मेरी पहली वाली सीट थी एमएलएन वाली वो मेरी होल्ड पे रहेगी। तो आपको होप्स हो आपको अपग्रेडेशन का भी क्लियर हो गया, वो बाकी मैं और क्लियर वे में जब राउंड टू आएगा तो वो वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा यार शेयर कर दो, ठीक है, जितने भी आपके यूपी नीट एस्पिरेंट्स हैं सब तक ये वीडियो पहुंचा दो, उनको आइडिया लगना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कट ऑफ क्या गया है, कॉलेज का क्या चांसेस है, कैसी बन रही है। और भाई जितने भी जूनियर्स हैं तुम्हारे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में ये चैनल शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना, एटलीस्ट मेरे इस एफर्ट को, वन मैन आर्मी वाले एफर्ट को तो यार लाइक करना बनता है। तो चलो फिर चलता हूँ, बाकी हाँ एक सेकंड, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी टेंशन है इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो, टेलीग्राम पे तो देख नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा मैसेजेस पड़े, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल दो, मैं रात को रिप्लाई कर दूंगा सबको, ठीक है, रात को नहीं तो कल सुबह कर दूंगा। बाकी जो भी डाउट है, जब भी डाउट है, आज कल परसों नरसों जब भी डाउट है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बाकी यहाँ कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट भी देखता हूँ, एक एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ जो लगता है जेन्युइन है, ठीक है। तो ठीक है चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, एंड हाजिर को कॉलेज मिलने का अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके, चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय।